हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुडो पावर। और इस एपिसोड में मैं आपको सिखाने वाला हूँ HTML, और उसके अंदर मैं आपको सिखाऊंगा HTML के अंदर टेबल टैग। ठीक है, तो आप HTML के अंदर टेबल कैसे बनाओगे वो हम लोग इसके अंदर देखने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर आप देख सकते हो टेबल के अंदर मेन टैग जो आता है वो है टेबल, फिर उसका चाइल्ड टैग जो है TR मतलब टेबल रो, फिर आता है TH मतलब टेबल हेड, उसके बाद आता है TD मतलब टेबल डेटा। ठीक है, तो मैं आपको लिख के बताता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। सबसे पहले आता है TR मतलब टेबल रो, फिर आता है टेबल हेडिंग, फिर आता है टेबल डेटा। ठीक है, तो अभी हम लोग प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, नोटपैड ओपन करो, अभी कोडिंग स्टार्ट। ठीक है, HTML स्टार्ट, फिर HTML क्लोज, हेड स्टार्ट, हेड क्लोज, इसको अंदर ले लो, फिर टाइटल टेबल टैग्स, फिर टाइटल क्लोज, बॉडी स्टार्ट, बॉडी क्लोज, फिर मैं H1 लिखता हूँ क्योंकि मुझे हेडिंग चाहिए कि टेबल टैग्स मतलब थोड़ा अच्छा लगे देखने के लिए। फिर अभी आपको स्टार्ट करना है टेबल। ठीक है, तो सबसे पहले टेबल टैग स्टार्ट करो, उसको क्लोज कर दो। फिर टेबल के अंदर हम लोग को क्या चाहिए होता है, ठीक है, तो टेबल के अंदर हम लोग को चाहिए होता है रो। ठीक है, रो मतलब, तो मैं पहले आपको पहले आउटपुट दिखा देता हूँ तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। TR के अंदर TD, अभी मुझे क्या करना है कि स्टूडेंट्स की लिस्ट बनानी, कि मेरा एक स्कूल है या फिर आप क्लासेस ले सकते हो, तो मेरा एक क्लास है उसके अंदर मेरे कौन कौन से स्टूडेंट का क्या नाम है, ठीक है, उनका एड्रेस क्या है, फिर उनका मोबाइल नंबर क्या है, फिर उन्होंने फीस भरी है कि नहीं, इस तरीके से मुझे लिस्ट बनाना है। तो हम लोग वो लिस्ट इसमें बनाने वाले हैं। ठीक है, तो मुझे चाहिए पहले स्टूडेंट्स का नेम, फिर मुझे चाहिए उनका एड्रेस, इसको क्लोज करना मत भूलना, फिर मुझे चाहिए है उनका मोबाइल नंबर। ठीक है, अभी के लिए इतना ही लेते। अभी क्या करना है आपको, तो स्टूडेंट का मैं फिर से एक नई रो क्रिएट करता हूँ। ठीक है, और इसके अंदर आपको अभी स्टूडेंट का डेटा डालना चालू करना है, तो है विराट कोहली, आपको जो भी डेटा डालना होगा डाल सकते हो, फिर है रोहित शर्मा, सॉरी अभी यहाँ पे कंपेयर करो, तो पहली फील्ड क्या है, तो नेम है, तो सबसे पहले नेम आएगा, उसके बाद है एड्रेस, फिर आपको डालना है एड्रेस, तो जो भी एड्रेस आपको डालना होगा, मुंबई, ठीक है, आपको जो भी डेटा डालना होगा आप डेटा यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद क्या है, तो उसके बाद है मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर जो भी होगा 10 नंबर का लिख दो फटाफट, इसको क्लोज करना मत भूलना। अभी मुझे क्या चाहिए, और एक मेरा स्टूडेंट है, तो फिर से मुझे क्या करना है, तो एक नई रो चाहिए, तो मैं फिर से ओपन करता हूँ TR, फिर उसके अंदर TD, अभी मैं लिखता हूँ रोहित शर्मा, इसे क्लोज। अभी क्या करना है अपने को, नाम हो गया, उसके बाद एड्रेस, तो एड्रेस डालो, क्लोज कर दो,
उसके बाद क्या है, तो मोबाइल नंबर, नंबर्स डालो, इसको क्लोज कर दो, इसको सेव करता है, फाइल में जाओ सेव करो या फिर कंट्रोल एस प्रेस करो तो भी सेव हो जाएगा। मैं लिखता हूँ पेज का नाम टेबल डॉट HTML, इसको ऑल फाइल से सेव करो, सेव कर देते हैं। अभी इसको हम लोग फोल्डर में जाते हैं, फिर टेबल पे डबल क्लिक करते हैं या फिर आप राइट क्लिक करके ओपन विथ गूगल क्रोम भी कर सकते हो। तो ब्राउज़र के अंदर जाओ तो आप देख सकते हो, सबसे पहले ये फर्स्ट रो है, ठीक है, फर्स्ट रो, उसके अंदर नाम, एड्रेस और मोबाइल नंबर, ठीक है। तो जैसे ही आप TR लिखते हो तो वो क्या करता है, आपके लिए एक लाइन बना देता है, ठीक है। तो वो लाइन कैसे काम करती है, तो वो इस तरीके से काम करती है, ठीक है। ये एक लाइन हो गई, ठीक है, तो ये एक पूरी एक लाइन हो गई जो फर्स्ट वाली है, ये एक लाइन हो गई। जैसे मैं TR ओपन करता हूँ फिर से दूसरी लाइन बन जाएगी, फिर TR ओपन करता हूँ तीसरी लाइन बन जाएगी, ठीक है। तो आपको जितने यहाँ पे लाइंस चाहिए उसके लिए आपको क्या करना है, तो टेबल रो, ठीक है, TR मीन्स एक, हर बार ये क्या करेगा, एक नई रो आपको बना के दे देगा, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, तो अभी आपको क्या करना है, इसके अंदर डेटा डालना है। तो डेटा के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, तो TD, ठीक है। तो आप जितने बार TD लिखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने 3 टाइम्स लिखा है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, यहाँ पे 3 कॉलम आपको बना के देगा, ठीक है। ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, ठीक है। तो आप इसको कॉलम भी बोल सकते हो, और टैग के फॉर्म में बोलो तो इसको हम लोग टेबल डेटा बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट कॉलम हो गया। फिर भी अगर आप दूसरा TR ओपन करते हो तो उसका जो पहला डेटा होगा वो पहले कॉलम में जाएगा, उसी तरीके से फिर से TR ओपन करते हो उसका जो डेटा है वो फिर से पहले कॉलम में जाएगा, लेकिन तीसरी रो, क्योंकि ये जो TR है वो थर्ड टाइम मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है, ठीक है। तो फ्रेंड आपको आइडिया आ गया होगा कि ये किस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं बॉर्डर, इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ 1, कंट्रोल सेव, इसको मैं Ctrl R रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप अभी देख सकते हो कि इसके अंदर बॉर्डर आ गया, तो अभी आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो इसको फिर से हम लोग समझते हैं, इसको मैं साइड कर देता हूँ। तो टेबल टैग आपका कंपलसरी, ठीक है, तभी वो टेबल बनना स्टार्ट करेगा। तो टेबल के अंदर सबसे पहला टैग क्या आता है, तो TR, मतलब आपको पहले क्या क्रिएट करना है, टेबल रो, तो आपको रो चाहिए, फिर रो के बाद ही आप उसके अंदर डेटा डाल सकते हो, अदरवाइज आप उसके अंदर डेटा डाल नहीं सकते, ठीक है। तो डेटा डालने के लिए हम लोग वन बाय वन एक एक कॉलम क्रिएट करते हैं। तो ये नेम फर्स्ट कॉलम हो गया, फिर एड्रेस सेकंड कॉलम हो गया, फिर मोबाइल नंबर थर्ड कॉलम हो गया, और उसी तरीके से आपको और एक कॉलम चाहिए, तो यहाँ पे कॉलम लिखो, सेव कर दो। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगा, तो हम लोगों ने जो दूसरा डेटा है, जो दूसरी रो है, उसके अंदर हम लोगों ने थर्ड कॉलम लिखा ही नहीं, ठीक है। तो क्या होता है, तो हम लोग देखते हैं, तो देखो फ्रेंड आपको यहाँ पे अभी डिफरेंस समझ में आ जाएगा, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने जो दूसरी रो थी और जो तीसरी रो थी उसके लिए हम लोगों ने जो चौथा कॉलम है वो हम लोगों ने छोड़ दिया है, ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ पे फ़िलहाल 3 ही कॉलम पास किए, तो वो 3 से ही मैच करेगा, ठीक है, और जो चौथा है उसको वो छोड़ देगा, इसलिए यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अगर जो आपको जितनी कॉलम चाहिए उतनी ही यहाँ पे डिफाइन करो, ठीक है, मतलब सब में सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक में ज़्यादा फिर एक में कम। फिर इसमें मैं लिख देता हूँ 500 फीस, अगर आप इसमें कॉलम बढ़ाते हो तो बाकी सब में वो ऑफकोर्स खाली दिखने लग जाएगा। सेव करते हैं, देख सकते हो अभी जैसे मैंने अभी यहाँ पे क्या किया, तो इसके अंदर मैंने 500 ऐड किया तो वो एग्जैक्टली फीस के नीचे आ गया, ठीक है, और इसके अंदर तो मैंने ऐड ही नहीं किया तो वो इसलिए यहाँ पे अभी भी खाली दिखा रहा है, 500 के नीचे खाली है। लेकिन मैंने अभी फिर से क्या किया, तो इसके अंदर और एक कॉलम ऐड कर दिया, ठीक है, डैश, तो वो
इसके अंदर दिख रहा है डैश, इसको मैं जूम करता हूँ तो इसके अंदर आप देख सकते हो डैश आगे, लेकिन ऊपर कुछ नहीं है, नीचे भी कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने उस कॉलम के अंदर डेटा फिल ही नहीं किया है। ठीक है, तो अभी मैं इसमें भी फीस डाल देता हूँ तो आपको वेब पेज पूरा अच्छे से दिखेगा। इसको क्लोज करना मत भूलना। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आ गया, और इसके अंदर सेव करते हैं। और इसके अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे TD क्लोज ही नहीं किया था। अभी मैंने क्लोज कर दिया। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो ये आ गया, और यहाँ पे भी मैंने क्लोज़ नहीं किया था। इसको सेव करते हैं, फिर रिफ्रेश करते हैं तो चला गया। चलो, तो हमारा टेबल कम्प्लीटली रेडी हो गया। ठीक है, और उसी तरीके से जैसे हम लोगों ने टेबल में एट्रीब्यूट डाला बॉर्डर, और उसकी जो वैल्यू है वो इक्वल टू करके वैल्यू डबल कोट में ही आपको लिखना है 1, तो वो आपको बॉर्डर दिखा रहा है 1। ठीक है, इसके अंदर मैं 10 पास करता हूँ और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो कुछ इस तरीके से आपको बॉर्डर थोड़े बढ़ा के दिखे। ठीक है, तो आपको जितनी बॉर्डर रखना है आप बॉर्डर रख सकते हो। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इस एपिसोड में इतना ही। तब तक आप, अभी हम लोगों ने बहुत सारे टैग सीखे थे और मैंने आपको वेब पेज डेवलप करने के लिए भी बोला था, तो उसी तरीके से आपने अगर वेब पेज डिज़ाइन किया होगा तो उसके अंदर अभी आप टेबल टैग की प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करते रहो, हार्डवर्क करते रहो, आगे बढ़ते रहो। थैंक यू।